Assalamualaikum guys, this is your host Vivek Khiami and you are watching our YouTube channel. Good morning, आप लोगों को आज की सुबह बहुत बहुत मुबारक हो और welcome to our another vlog. इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे हैं. आज थोड़ा उठने में देरी हो गई है. अब देर होने की वजह यह है कि आज संडे था, सुहेब ने स्कूल नहीं जाना था, तो थोड़ा आधा घंटा लेट उठे, वरना 6:30-7:30 बजे आँख खुल जाती है. तो इसको स्कूल भेजना होता है सुबह, फौरन बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उठाओ और फौरन स्कूल भेज दो, तो वो आधा एक घंटा तो सेटल होने में लगा देता है. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक घंटा पहले उसको उठाएं, कार्टून दिखा के और सुबह की नाश्ता करवा के तैयार करके फिर स्कूल भेजें. तो आज मैं थोड़ा जो लेट हो गया हूँ, क्योंकि बकरों का हमारे चारे का टाइम है 7 बजे, तो चारा मेरा ख्याल है नुमान डाल चुका है बकरों को. ये मुस्तफ़ा है और ये सुबह सुबह मिट्टी में खेलते हैं. हम बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं ताकि ये मिट्टी में जो बच्चे हैं ना हेल्दी रहते हैं. बकरों को चारा डल चुका है, रानी भी खा रही है वहाँ पे, मिकी गमगम और ये राजा को सुहेब लेकर जा रहे हैं अंदर. अच्छा, ये जो पीछे गाड़ियों की मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वो सिर्फ इसकी वजह ही है कि हमारे घर के बिल्कुल बाहर ही रोड है. अब इत्तेफाक से हम मेन रोड का घर ले गया हुआ है, तो वो मेन रोड के घर में ये आपको जो ट्रैफिक नॉइज़ है ये आएगी. तो आई होप आप बियर करेंगे हमारे साथ और मैं कोशिश करूँगा वक्त के साथ साथ कुछ इस नॉइज को जो है वो कम किया जाए. आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप दोनों ने मिलके इसको छुपा दिया. अब गाइस आप ढूंढ के दिखाओ वो बैडमिंटन बता दिया. चलो दिखाई दे, चलो सफा दिखाएं भाई. अच्छा तो गाइज ये हमारा फुल व्यू है गार्डन का, जो हमने मुख्तलिफ फ्रूट ट्रीज लगाए हुए और वो हमें आपको विद टाइम बताऊंगा और जो उनमें न्यू क्रॉप होगी वो भी बताऊंगा कि कौन से उस वक्त क्या चीज़ें लगी हुई हैं. मैं आपको बताऊंगी, आप बताइए. तो गाइज ये सुहेब आपको वक्त के साथ साथ सारे जितने भी फ्रूट्स हमारे गार्डन में लगे हुए हैं वो आपको बताएंगे. गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ. इस वाले पे थे ये, वो थे ग्रेप्स. मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखो वो सारे ऑरेंजेस हैं और यहाँ भी फ्लावर्स. तो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने नाश्ते का. नाश्ते का टेबल लगा चुके हैं, मुस्तफ़ा भी वेट कर रहा है, बबलू राजा भी अपना नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ है और आप भी अपना नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं. हम इस वक्त नाश्ते के टेबल पे बैठे हुए हैं, नाश्ता हमारा आ गया है. नाश्ते में हमारे पास है, आप बताएंगे, बताएं. पिज़्ज़ा. ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये चीज़ है क्या? ठीक है, क्या पिज़्ज़ा भी तो है ना? पिज़्ज़ा की तरह है. अच्छा आप बताएं क्या है ये? ये पानी है, ये मक्खन है, वो ये पराठा है, ये पराठा. अच्छा ठीक है. ये बहुत अजीब तरह बताते हैं, मैं बता देता हूँ. पिज़्ज़ा नहीं, अब पिज़्ज़ा नहीं. अच्छा फिर पिज़्ज़ा, पराठा, मक्खन, पानी और चीनी. बस चीनी, ये चीनी है मुसफा बाहर. ये तो मैं तो खाता हूँ. और चाय. ये जो पीछे हमारे कपड़े पड़े हैं प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियाँ आने वाली हैं और इन सब कपड़ों को, ये हमारे गर्म कपड़े, इनको धूप लगनी है, तो आज इनको धूप लगवानी है. A few moments later. अभी एक जल्दी जल्दी एक अर्जेंट प्लान बन गया है, वो ये कि हमें गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना जितना भी घर का बच्चों का दूध है और आटा है
वो हम गांव से पिसवाते हैं क्योंकि वो खालिस होता है, और दूध भी गांव में गायें हैं हमारी जहां से दूध आता है। तो ये दोनों चीज़ें आज आनी थी, बट वो हुआ इस तरह के कोई इनकी ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है जिसकी वजह से गाड़ियां चल नहीं रही। हमारा गांव तकरीबन रावलपिंडी से एक घंटा 10 मिनट लगते हैं, गुजर खान के पास है। One hour later. सुहेब साहब तैयार हो गए, रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। सुहेब जैक भी रेडी है। जैक को तो नहीं लेकर जाना, जैक रेडी है पर उसको लेकर नहीं। मुस्तफ़ा रेडी हुआ है नहीं हुआ अभी तक? हो गया। तो बाकी सबको बुलाओ, बोलो आ जाए चले। तैयार हो। अच्छा तो मुस्तफ़ा साहब भी रेडी हो गए। मुस्तफ़ा आप रेडी हैं जाने के लिए? नहीं, जैक नहीं जाएगा। सो गाइस बस अब हम जाने लगे हैं, रेडी हो गए हैं बच्चे भी, घर वाले भी। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. शहर से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव है हमारी नानी के गांव का। तो आज हम आपको अपनी नानी का गांव भी थोड़ा सा विजिट करवा देंगे, मुकम्मल तो शायद ना दिखा सकें क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि हमने वापस भी जाना है यहां से। तो एक घंटे की ड्राइव है अभी, तकरीबन टाइम हो चुका है 3:40, एक ही घंटा है हमारे पास। फाइनली गाइस हम गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए और हमारे नानी के गांव के बिल्कुल सामने ये पाकिस्तान स्वीट होम्स कैडेट कॉलेज है, और ये अभी रिसेंटली बना है। अभी हम जा रहे हैं गांव में, शौकत फ्लोर मिल्स। ये भी बहुत पुरानी है हमारे, हमने खैर ये हमारे सामने हमारे बचपन में हमने बनते हुए देखी है। कोई गांव के बुजुर्ग हैं जो कि पैदल ही जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आ जाएं बैठें। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? गाइस ये हमारे नानी के गांव का कब्रिस्तान है जहां पे हमारे अबाव अजदाद दफन है। अल्लाह ताला सबको बरी के रहमत करे, आमीन। और ये मेरे नाना और नानी की कब्र है। गाइस हम अपनी नानी के गांव पहुंच चुके हैं, अब अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुभाष साहब, क्या हाल है? ठीक है। तो गाइस अभी हम अपने नाना के घर पे हैं। बेसिकली ये मेरे बायोलॉजिकल नाना नहीं है, ये मेरे नाना के भाई हैं,
ये मेरी वाइफ के सगे नाना हैं और मेरे नाना के भाई हैं, तो ये हमारे लिए भी वही दर्जा रखते हैं जो हमारे सगे नाना हैं, क्योंकि हमारा वक्त इनके साथ उसी तरह गुजरा है जैसे मेरा वक्त बेसिकली मेरे अपने नाना के साथ थोड़ा कम गुजरा है, क्योंकि उनकी जल्दी डेथ हो गई थी। अभी आपको मैंने उनकी कब्र दिखाई है। इनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजरा है। एक तो नॉर्मली ज़्यादा गुजरता था, फिर मेरी शादी हो गई मेरी वाइफ से जब, तो उसके बाद इनके साथ मज़ीद ज़्यादा वक्त गुजरने लगा। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, इनकी एज हम इन्हीं से इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ये हमारे नाना। अबा जी आपने तो सानी तारीख़ पैदाइश 1924 तो इजा सो अगले साल पूरे 100 साल आने पूरा सिखाना राज सी थे। अच्छा अंग्रेजी राज से गोर में बरतानिया ना राज बिशदौर सिख होने से बिशदौर पशंदौर सोवे ठीक है एक ग्रांट नहीं से होने ठीक है मोटे मोटे शहर ठीक है बिशदौर सोवा बेवल बेवल अच्छा ये अपना गुजर खान सुखू सुखू ये बड़ी बड़ी जगह अच्छा अच्छा तहसील जेलम तहसील जेलम अच्छा तहसील होती तहसील सुहावा हो गई अब तहसील सुहावा हो गई उस वक्त तहसील जेलम थी और जिला भी जेलम था तहसील जेलम अच्छा उसने खड़े हो जा रहे ना भी जिला तहसील जेलम जी ऐसा ही है। ये घर कौन से सन का बना हुआ है? ये हमारे वालिद साहब ने बनाया है। अच्छा तकरीबन 34 वालिद साहब फौत हुए इतनी 28 या 30 में सन 1928 या 30 का ये मकान बना हुआ है। ये हमारे नाना के घर के बैक साइड पे मस्जिद है। सो गाइस ये थे हमारे नाना, इनसे फिर हम किसी दिन ना डिटेल में इनपे पूरा व्लॉग करेंगे। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो इनको अभी भी पुराने दौर की हर एक बात याद है और अच्छे से याद है डिटेल में, तो वो उसके लिए हम एक प्रॉपर व्लॉग करेंगे। अच्छा तो आए गाइस हम आपको दिखाते हैं इनके जानवर। ये है इनकी बच्ची है बच्चा है बच्ची है भाई। ये इनकी गाय अभी तक आई नहीं है बाहर से चर के। ये हैं इनके मुर्गे मुर्गियाँ। यह है जी गांव की शाम। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, रात का टाइम होने वाला है, जानवरों को खाना पीना डाल के अपने अपने जगह पे बंद कर देंगे। ऐसा ही है यूँ ही है और ज़्यादा लगी हुई है। अच्छा ये है बेसिकली मेरी नानी का घर, नाना नानी का घर। ये मेरे नाना नानी का घर को बने हुए भी तकरीबन 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये लीमू का पौधा लगा हुआ है, लेमन्स। ये मेरी नानी लगा के गई हैं सारी चीज़ें, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। वो हैं ऑरेंजेस, एक और पौधा लगा हुआ है लेमन का। मैं आपको इस घर का कभी ना किसी कभी आके मैं इसका होम टूर ज़रूर करवाऊंगा इस घर का, क्योंकि लेकिन अभी इसकी क्योंकि हर कमरे में ताले लगे हुए हैं, चाबियां हैं नहीं, तो जब चाबियां होंगी तो मैं आपको प्रॉपर टूर करवाऊंगा, क्योंकि इधर मेरा बहुत वक्त गुजरा हुआ है। वक्त मतलब गाँव का ज़्यादातर वक्त जो है वो गुजरा ही इस गांव में और इस घर में, क्योंकि ये वो घर है। ऐसा होता है कि जो गांव के घर होते हैं ना, अपनी जो दादा दादी के घर होते हैं वो तो आपके विरासती अपने घर होते हैं, लेकिन नानी का घर विरासती आपका ना होते हुए भी सारी ज़िंदगी आपका ही होता है। तो ये वो घर है मेरी नानी का, जो हमें लगता नहीं है कि हमारा विरासती नहीं है, जब भी आते हैं लगता है हमारा अपना घर है या हमारे आबाओ अजदाद में से हमारे बाप दादा का घर है। तो अल्लाह ताला हमारे नानों को मेरी नानी को तरीके रहमत करे। गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, बच्चे मेरे तैयार हो गए,
और अल्लाह हाफिज़। हम निकलने लगे, अब आपसे मुलाकात होगी पिंडी पहुंच के। सो गाइज़, अब हम आ गए घर पे, लेकिन घर पे आने के बाद अभी हमें याद आ गया कि, याद तो मुझे पहले ही था कि हमें बकरों को चारा डालना है। 7:30 बज चुके हैं इस वक्त और चारे का टाइम है। इधर से चलो से शाम 5 बजे हम लोग चारा डाल देते हैं और हम गांव चले गए थे, तो जल्दी जल्दी आए हम। 5 बजे जानवरों का चारा डल जाता है, लेकिन इस वक्त हो रहे हैं 7:30। हमने बकरों का चारा बना लिया है, बकरों का चारा बना के डालने लगे हैं जानवरों को। सो गाइस, सब सो चुके हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक था। इस वक्त टाइम हो रहा है 11:50 और अब हमारा टाइम हो चुका है सोने का। उसकी वजह यह है कि बहुत हेक्टिक डे था, एक बहुत लंबी ड्राइव थी जाना और आना, लाइक 2.5 आवर्स की ड्राइव थी, तो बहुत हेक्टिक था, थक गए हैं। हमारे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और हमारा डेली व्लॉग आपको रिसीव होता रहेगा, वो आप देखें। और कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।